हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका अपना साथी एडवोकेट शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है कि यदि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी करने के बाद आप पुलिस ऑफिसर से किस किस अधिकार के बारे में बात कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को कानून ने जो 10 अधिकार दिए हैं उस 10 अधिकार को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला अधिकार जो है दोस्तों, कि अपने मनपसंद के वकील से मिलने का अधिकार। जब किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद या गिरफ्तारी करने के समय आप पुलिस ऑफिसर से अपने मनपसंद के वकील से मिलने के लिए अधिकारी हैं। आप उनसे बोल सकते हैं कि मुझे इस वकील से मिलना है, और इसका जो व्याख्या है वो सीआरपीसी सेक्शन 41 सब सेक्शन डी में बताया गया है, यानी सीआरपीसी 41 डी में इसको बताया गया है। तो सबसे पहला अधिकार है कि आप अपने मनपसंद के वकील से मिलने का अधिकारी हैं, आप अपने मनपसंद के वकील से मिल सकते हैं। दूसरा जो राइट है वो राइट है दोस्तों कि 24 घंटे से अधिक हिरासत में कोई भी पुलिस वाला आपको नहीं रख सकता है, इसे सीआरपीसी 57 में बताया गया है, और उसे 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, उनको हाजिरी वहां पे लगानी पड़ेगी। ये भी सीआरपीसी सेक्शन 56 में बताया गया है। तो आपको पता लग गया होगा कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। यदि वो पेश नहीं करते हैं तो आप इनके बारे में आप उनसे बोल सकते हैं कि आप मुझे मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं पेश किए। और उससे भी ज्यादा यदि उनको पूछताछ करना होगा तो वो पेश करने के बाद उनसे समय लेंगे मजिस्ट्रेट से, फिर आपको हिरासत में ले सकते हैं, आपको थाने में रख सकते हैं। तीसरा जो अधिकार है दोस्तों वो ये है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हेल्थ और सुरक्षा का ध्यान रखना पुलिस वालों का अधिकार होता है। यानी यदि आपको गिरफ्तार किया है तो गिरफ्तार करने के बाद आपके हेल्थ और जो भी सुरक्षा है उनका ध्यान रखना उनका काम होता है। यदि आपका हेल्थ गड़बड़ होता है या किसी प्रकार की सुरक्षा जो है वो जोखिम में जाता है तो वे उनको अधिकार है, उनके बारे में भी आप उनसे पूछ सकते हैं। या ये जो है सीआरपीसी सेक्शन 55 सब सेक्शन ए में बताया गया है। अब दोस्तों चौथा जो अधिकार है, ये चौथा अधिकार ये है कि यदि पुलिस वाले आपको अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट मेमो नहीं बनाते हैं तो आपको पुलिस वालों को ये कहना पड़ेगा, और ये कहने का आप अधिकारी हैं कि आप अरेस्ट मेमो बनवाइए। यानी अरेस्ट मेमो जो है वो बनवाने का अधिकारी आप हैं, और इसे सीआरपीसी सेक्शन 41 बी में बताया गया है। दोस्तों पांचवा जो राइट है वो पांचवा राइट ये है कि पुलिस को अरेस्ट किए गए पर्सन की फैमिली या रिलेटिव्स को सूचना देनी होगी कि आपके फलाने बंदे को मैंने अरेस्ट किया है, आप थाने में आके इनसे मिलिए। यदि वो नहीं सूचना देते हैं तो आप इसके लिए अधिकारी हैं कि आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि आप जो है मेरे रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स को इसके बारे में मेरे गिरफ्तारी के बारे में सूचना दीजिए। ये सीआरपीसी सेक्शन 50 सबसेक्शन ए में बताया गया है। दोस्तों सिक्स यानी छठा जो अधिकार है वो ये अधिकार है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में आपको वारंट देखने का पूरा पूरी अधिकार है। आप वारंट देख सकते हैं। यदि पुलिस वालों ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में आपको गिरफ्तार करता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि गिरफ्तारी वारंट कहां है, आप गिरफ्तार करने के वारंट को दिखाइए। सेवन जो राइट्स हैं आपको जिस कानून ने जो दिया है, सेवन राइट्स ये है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त होने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसे सीआरपीसी सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 में बताया गया है। दोस्तों आठवां जो अधिकार है वो ये अधिकार है कि किसी भी महिला को महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है, कोई दूसरा पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इसे सीआरपीसी सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 में बताया गया है। दोस्तों नाइन्थ यानी नामा अधिकार आपको ये कानून ने दिया है कि गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। यदि किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा आपको गिरफ्तार किया जाता है तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि किस कारण से आपने मुझे गिरफ्तार किया गया है, मेरा जुर्म क्या है, इस कारण को आप उनसे जान सकते हैं। इसे सीआरपीसी सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 में बताया गया है। दोस्तों लास्ट यानी दसवां
दसवां जो आपका अधिकार है वो ये अधिकार है, मेडिकल टेस्ट कराना। यदि आपको किसी पुलिस ऑफिसर के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी करने से पहले उन्हें आपका मेडिकल टेस्ट कराना जरूरी है। और इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि किसी भी महिला को यदि गिरफ्तार किया जाता है तो उसे महिला डॉक्टर ही उसकी एग्जामिन कर सकती है, उनका टेस्ट करेगी। तो आई होप कि आप लोगों को 10 जो अधिकार हैं महत्वपूर्ण, जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ कोड में लिखा गया है, उनको मैंने बताया, तो आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से पता चल गया होगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, पुनः नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।